वही पौड़ी में वायुसेना की मदद लेकर जंगल की आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। आपको बता दें, लगातार 3 दिनों तक MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाई गई है। वही आग पर काबू पाने के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर को वापस भेज दिया गया है। पौड़ी DM आशीष चौहान ने बताया कि मौसम विभाग ने 12 मई तक बारिश की संभावना जताई है, जिससे वन विभाग को राहत भी मिल पाएगी। फिर भी अगर वनाग्नि की घटनाएं बढ़ी तो फिर वायुसेना से मदद मांगी जाएगी। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जी, इसमें आज जो एक्टिव फायर का नंबर है वो 11 है, और जो हमारी लार्ज फायर है वो 3 से 4 हैं, और उस पर सुबह से ही हमारी सॉर्टीज हो रही थी। कल तक की सॉर्टीज का नंबर 15 था, और आज भी उसमें मल्टीपल सॉर्टीज की, 7 to 8 सॉर्टीज। तो उसके बाद में जो DFO स्तर से मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई हैं उनके बेसिस पे उसको डी रिक्विजिशन करके ऑपरेशन को कॉल ऑफ किए जाने का निर्णय लिया गया। उसी क्रम में इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हम वापस भेज रहे हैं। अगर वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती हैं, जैसा अभी फॉर्चुनेटली हमें जो वेदर फोरकास्ट मिला है उसमें 12 तारीख तक हमें कुछ रेनफॉल की संभावना है, उससे काफ़ी हद तक स्थितियों में सुधार आएगा, और उसके बाद में भी अगर सिचुएशन में ज़रूरत पड़ेगी तो वापस से रिक्विजिशन करना होगा इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ का, तो उस पर विचार किया जाए।